आप भी इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंस्टाग्राम पे चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा रीच भी उसी के ऊपर है, वो है रील्स। तो आप canva.com का यूज़ करके किस तरीके से रील्स को बना सकते हो और आपकी जो अकाउंट की जो रीच है उसको भी बढ़ा सकते हो, आप अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी बढ़ा सकते हो। सो अगर आप अपने इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स हैं उनको भी बढ़ाना चाहते हो तो आप हर वीक में 3 से 4 रील्स को अपलोड करना शुरू करो, क्योंकि रील्स आजकल सबसे ज़्यादा रीच देने वाली इंस्टाग्राम का फीचर है, क्योंकि ये नया फीचर है, अभी आया हुआ है, थोड़ा सा भी हुआ है, पर इसका जो यूज़ है वो काफ़ी हद तक से बहुत अच्छा है और आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देता है। अगर आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इतने नहीं है जो आप चाहते हो कि वो बढ़ने चाहिए तो आप रील्स का यूज़ करो। बट आप रील्स किस तरीके से बनाओगे canva.com का यूज़ करके, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और साथ में वीडियो के अंत में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप उस सरप्राइज़ को मिस ना करें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी हमारे canva.com के डैशबोर्ड में, और अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम यहाँ पे जाएंगे सर्च बॉक्स में और हम यहाँ पे सीधा टाइप करेंगे इंस्टाग्राम रील्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स को फाइंड करते हो ये आपको लॉट ऑफ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है जिनको आप एडिट कर सकते हो। अभी वो एडिट किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको आज बता। तो मान लीजिए कि हम इस वीडियो को, इस रील्स को एडिट करते हैं, सारा कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। ये एक छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए, पहले एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वीडियो दिखता है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा एनिमेशन इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अभी मान लीजिए कि हम यहाँ से कोई दूसरी जो टेम्पलेट है उसको यूज करते हैं, ये देखिए ये वाली अच्छी है, देखा आपने। और मैं आपको पहले एक बात बता दूं, ये जो मेरा Canva का प्रो अकाउंट नहीं, ये सिंपल अकाउंट है विदाउट प्रो, ये Canva का सिर्फ फ्री वर्जन वाला अकाउंट है। तो अगर आपके पास एक्सक्यूजेस होगा कि मेरे पास Canva का फ्री अकाउंट है और प्रो अकाउंट नहीं है, डोंट गिव दिस बिकॉज दिस इज अ फ्री अकाउंट। यहाँ पे आप देख कर सकते हैं ये छोटा सा वीडियो प्ले हो रहा है और यहाँ पे जो एनिमेशन है ये भी प्राउड ऑफ द छोटा सा एनिमेशन किया हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप ये जो Canva का जो फीचर्स एनिमेशन है तो वो आप इनको यूज कर सकते हैं, उनको एडिट कर। देखिए यहाँ पे जो ये साइन की जो निशानी है, अभी हम इसको पूरा चेंज करेंगे। मान लीजिए हम इस वीडियो को हम यहाँ पे ऐसा रखते हैं, ठीक है, और हम ये भी निकाल देते हैं और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ग्रेडियंट एनिमेशन। सी इसको मैंने यहाँ रखा, देखा आपने। तो इसी तरीके से जो भी आपकी जो नीड्स हो उस रिक्वायरमेंट में आप देखो किस तरीके से आप उसमें अपना जो ग्राफिक्स है, अपनी जो डिजाइन है वो उसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से आप इसको यहाँ दीजिए, यहाँ पे प्लस के साइन से ये डबल डुप्लीकेट होता है, और यहाँ से इसको मैं रोटेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है ये वाला जो है इसको इस तरीके से प्रेस कर देता हूँ। देखिए हो गई ना, एकदम बढ़िया। इसी तरीके से आप यहाँ से अपना जो टाइटल है वो लिख दीजिए, यहाँ पे है आप यहाँ से इसको डिजाइन कर सकते हैं, फॉन्ट्स को भी यहाँ पे इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे ये लाइट हाईलाइट कलर भी आप इसको दे सकते हैं। अब इसको प्ले करके देखेंगे, देखिए जो नन है इसको हम थोड़ा सा एनिमेशन देना ट्राई करेंगे, देखा। एंड फाइनल टच, हमारी ये जो पूरी स्टोरीज है रील्स है वो आप इसी तरीके से बना सकते हैं।
ये इतना इजी है, आप इसको यूज कर सकते हैं इजीएस्ट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, आपके लिए सरप्राइज था वो ये है कि मैं आने वाले मार्च मंथ से अपनी कैनवा कोचिंग को शुरू कर रहा हूँ। अगर आप ग्रुप कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप इसकी सारी डिटेल जान सकते हैं और कैनवा को नेक्स्ट लेवल तक आप भी सीख सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एक फ्रेशर हो।